हेलो, नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस क्लास में। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कल जो स्टॉक दिए गए थे उनमें कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो उसके लिए हम आपको सबसे पहले ये दिखा देते हैं कि कल हमने कौन कौन से स्टॉक दिए थे और उनमें कैसा क्या लेवल बताया था, वो देख लीजिए। सबसे पहले दो स्टॉक हैं, उनको जल्दी ये सुन लीजिए कल की आप लोग रिकॉर्डिंग यहाँ से। तो एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है कल के लिए। और एक स्टॉक्स हमने लिस्ट में ऐड किया है, वो है इंडियन होटल। तो इंडियन होटल का ये है लेवल, तो आप लोग देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। जो रेड लाइन है ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये है हमारा 262.15। तो ये इसके अगर ऊपर निकलता है और बुलिश कैंडल बनाता है, 5 मिनट में जाएंगे, 5 मिनट में जाके यहाँ से हम लोग चेक करेंगे। अगर ये इस लाइन के ऊपर कहीं ऐसे ग्रीन कलर की कैंडल बना के और एंट्री देता है हम लोग को 5 मिनट में, तो हम लोग एंट्री ले लेंगे। अगर ये कहीं ऐसे नीचे किसी रेड कलर की कैंडल में कहीं आता है, उसके बाद ये 5 मिनट के लो ब्रेक करता है, तब हम नीचे की एंट्री लेंगे। और अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है 5 मिनट के ऊपर, तो हम जब उसका हाई तोड़ेगा तभी हम एंट्री करेंगे उसमें, उससे पहले हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। और याद रखें, जब तक 5 मिनट की कैंडल पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग को एंट्री लेना नहीं है। अगर उससे पहले आप एंट्री लेते हैं तो बहुत वॉलेटाइल होता है 5 मिनट के अंदर मार्केट, तो किसी साइड भी जा सकता है, तो उसमें आपका ऐसे लेट हो सकता है। और और चलिए चलिए हम हम लोग लोग बात, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से हमने इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे लेना है और कैसी कंडीशन बनेगी तब हमें ट्रेड करना है। तो ये हमारा पूरा प्लान रेडी था। तो आप लोग देख सकते हैं ये रानी होल्डिंग का चार्ट है, और इसमें देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ हमने एंट्री बताई थी 668 पे, और इसको हमने एक बार पहले भी यहाँ पे जब था ये करीब यहाँ पे, तो हमने रिकमेंड किया था। उसके बाद ये 2 दिन नहीं दिया ब्रेकआउट, उसके बाद आज इसने ब्रेकआउट दिया है। तो आप देख सकते हैं 668 के ऊपर ये करीब 690 का हाई मार चुका है, तो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा पैसा बना है। और आप लोग देख सकते हैं दूसरा स्टॉक जो इंडियन होटल का था, इंडियन होटल में, इंडियन होटल का ये चार्ट आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें जैसे जैसे एग्जैक्ट हमने उसमें 5 मिनट पे कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट करना है, ठीक उसी तरीके से इसमें कंडीशन बनी थी, बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि एनालिसिस एकदम पहले रेडी होता है, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, वो सब आपका बाद में होता है। ड्यूरिंग मार्केट आपको कुछ नहीं करना है, ड्यूरिंग मार्केट आपने जो प्लान बनाया है अगर वैसा काम हो रहा है तो आपको एंट्री लेना है, अदरवाइज अगर आपके प्लान के मुताबिक काम नहीं हो रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो देखिए 5 मिनट की कैंडल हमने बताया था रेड कलर की बनी, हाई और लो मार्क करना था, और जैसे ही इसके नीचे टूटा आपको सेल करना था, और सेल करके आपको स्टॉप लॉस यहाँ का लगाना था, बस इतना ही सा काम करना था, फिर टारगेट के लिए इंतजार करना था, और तुरंत टारगेट दे दिया थोड़ी देर में ही। तो ये स्टॉक आपके आपको आज अच्छा प्रॉफिट दिया होगा। और हमने सन टीवी दिया था 2 1 दिन पहले, तो उसमें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें यहाँ पे आज ब्रेकआउट हुआ है, और ये ब्रेकआउट हुआ है, और इस ब्रेकआउट पे आप यहाँ 650 पे हमने बताया था, और इसने 450 पे हमने एंट्री बताई थी, 450 के ऊपर ब्रेकआउट बताया था, और 482 का इसने हाई मारा है आज। तो यहाँ पे भी ₹32 का करीब करीब टारगेट मिला होगा, गया है, तो इसमें भी बहुत अच्छा पैसा बना होगा आज। तो जिन लोगों ने ट्रेड किया है बहुत अच्छा है, और अगर आप लोग को समझ में नहीं आता कि कैसे ये ट्रेड लेना है तो आप लोग फॉलो करते रहिए। और पाँच जो हमारा 920 है, मतलब 920 से जस्ट पहले आपको एंट्री नहीं करनी है, 5 मिनट की कैंडल बन जाने के बाद ही आप लोग को एंट्री करनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बहुत अच्छे से प्रॉपर जो है टेक्निकल काम करते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है। और ये स्टॉक है हमारा, ये कल के लिए वैलिड है, कल के लिए। तो कल के लिए हमारा ये JSW स्टील है, तो JSW स्टील में अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, और स्टॉक 600 से जस्ट पहले बंद हुआ है। तो ये अगर कल निकलता है 600 के ऊपर तो इसमें भी एक ब्रेकआउट हो सकता है, और ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक रेंज है यहाँ पे, ये स्टॉक्स ने गिरने के बाद यहाँ पे रेंज बनाई है, और इस रेंज पे काफ़ी दिन ट्रेड किया है, काफ़ी दिन ट्रेड किया है। तो अगर ये यहाँ से निकलता है, क्योंकि देखे होंगे नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे, उससे ज़्यादा नीचे नहीं आया, फिर आया है,
फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर आए, तो आप देखेंगे तो ये ऊपर सिंक होता हुआ जा रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा कल के दिन, अगर मार्केट का सपोर्ट मिलता है इसको तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि आपको 5 मिनट की कैंडल के बाद ही एंट्री लेना है, क्योंकि यहाँ पे कब कैसे सेलिंग आ जाए या बाइंग आ जाए तो 5 मिनट में आपको कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रेड में जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।